हे दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं V4 वीडियो। तो यहाँ पे है मेरे पास स्नैप एंड ग्रिप यूनिवर्सल रिंच। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इन्हीं यूनिवर्सल रिंच के बारे में बात करने वाले हैं। ये यूनिवर्सल इसलिए हैं क्योंकि किसी भी साइज के नट और बोल्ट में लग जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास छोटा और बड़ा, वैसे तो आप सभी ने इन रिंच को देखा होगा कहाँ पर, टीवी में। ये टीवी पर बहुत बेचे जाते हैं टेलीशॉपिंग में। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एज सीन ऑन टीवी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने इन्हें अच्छी तरीके से टेस्ट करूंगा और देखूंगा कि क्या ये वाकई में यूनिवर्सल रिंच हैं, कि क्या ये वाकई में काम आसान करते हैं, या फिर बस ये बस एक उल्लू बनाने वाले रिंच हैं। लेकिन वो तो तभी मालूम चलेगा जब भी हम लोग इन्हें अलग अलग जगह पर ट्राई करेंगे, कुछ चीज़ें खोलेंगे और कुछ बंद करेंगे। तो हो सकता है ये वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि इन्हें लेना चाहिए या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग अपने स्नैप एंड ग्रिप रिंच को इस आवाज 20 पे चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमें ये बड़ा वाला यूज़ होगा, छोटे वाले से नहीं काम चल पाएगा। ये छोटी चीज़ों के लिए है, 20 जैसी चीज़ों के लिए, पाइप जैसी चीज़ों के लिए हमें बड़ा वाला यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसे यूज़ करने से पहले आपको इसके डायरेक्शन को समझना होगा, तभी आप लोग आराम से किसी चीज़ को ओपन और बंद कर पाएंगे। तो अभी इतना भी मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि मैं खुद इसे पहली बार यूज़ करने वाला हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आगे लगाया जा सकता है। जैसे कि हमें टोटल को इस डायरेक्शन में को ओपन करना है, इस डायरेक्शन में, तो हमें इसे इस डायरेक्शन में फंसाना होगा ऐसे, और ये आराम से ओपन हो जाएगी। और जब कसना होगा तो डायरेक्शन को बदलना होगा ऐसे, और ऐसे कर देंगे ये कस जाएगी कुछ इस तरीके से। ये अब इससे ज़्यादा कस नहीं रही है और ये कस गई। अब बाई चांस हमें पाइप को ओपन करना है, तो मैं इसे भी ओपन करके दिखा देता हूँ। इसे मैंने यहाँ पे फंसाया और ये देखिए, ये भी ओपन हो सकता है ऐसे, और अगर कसना है तो शायद इस डायरेक्शन, मैं भी डायरेक्शन भूल जाता हूँ, कसना है तो इस डायरेक्शन में, ये देखिए कस जाएगा। तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हैं इसे पानी के पाइपों में। तो ये तो हो गया। और दोस्तों, अब मैं इसे ट्राई करने वाला हूँ इन्वर्टर की बैटरी पे, तो देखते हैं ये और ये। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो जगह है ना बहुत कम है। तो ये तो हमारी, ये देखो खुल गई है। अब मैं इसे वापस से टाइट करने की कोशिश करता हूँ, शायद टाइट हो जाए। तो इसे टाइट करने के लिए हमें इसे घुमाना होगा। तो हाँ, यहाँ पे जगह की बहुत ही कमी लग रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे टाइट हो भी पाएगा। हाँ, यहाँ पे घूमने के लिए जगह ही नहीं मिल रही। तो इन्वर्टर की बैटरी पे ये काम नहीं कर रहा है, खुल गया लेकिन बंद नहीं हो पाया क्योंकि जगह की कमी है यहाँ पे। तो इस चीज़ के लिए हमें ज़्यादा जगह चाहिए। तो चलिए, अभी हम लोग हैंड पंप का नट बोल्ट ओपन करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं छोटा वाला यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे इसे फंसाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, थोड़ी नहीं पूरी पूरी दिक्कत हो रही है। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पे दिक्कत कर रहा है। तो यहाँ पे जगह की कमी होने की वजह से हमारा ये स्नैप एंड ग्रिप काम नहीं कर रहा है। तो अभी हम लोग ऊपर वाले हिस्से के बोल्ट को ओपन करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे काफ़ी जगह है, तो हाँ यहाँ पे फंस गया है, बस डायरेक्शन को याद रखने की ज़रूरत है और ये ओपन होने लगा। हाँ, ये ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे जगह थी तो ये अच्छी तरीके से काम कर रहा है और ये ओपन भी हो रहा है। तो ये ओपन हो गया, अभी हम लोग इसे वापस से कसने की कोशिश करेंगे। तो मैं बार बार भूल जाता हूँ कि इसमें किस डायरेक्शन में कसना है और किस डायरेक्शन में ओपन करना है। तो अभी ये कस जाएगा, हाँ ऐसे कस जाएगा, तो ये कसना भी चालू हो गया है। थोड़ा सा दिक्कत हो रही है क्योंकि
अभी मुझे इस वाले रिंग्स के साथ आदत नहीं लगी है। तो ये हमारा हैंड पंप का बोल्ट टाइट हो गया है अच्छी तरीके से। थोड़ा सा टाइम भी इसमें लग रहा है लेकिन ये काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जहाँ पे बोल्ट के आसपास ज़्यादा जगह थी वहाँ पे ये रिंच अच्छी तरीके से काम कर रहा था, लेकिन जहाँ पे बोल्ट के आसपास जगह कम थी वहाँ पे ये रिंच दिक्कत कर रहा था। और इसको पहली बार यूज़ करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि ये नॉर्मल रिंचेस की तुलना में थोड़ा सा अलग है। तो अगर बात करें इसे लेना चाहिए या नहीं तो ये 50-50% का मामला है। ये कभी काम आ सकता है और कभी काम नहीं आ सकता है। लेकिन अगर आपको ये कम प्राइस में मिल रहा है तो आप लोग इसे ले भी सकते हैं। मैं इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ पर जाके इसे ले सकते हैं। ये करीब 200 रुपये के आसपास आता है। तो इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया टीवी में दिखाया जाने वाला यूनिवर्सल स्नैप एंड ग्रिप प्रिंट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलना।